पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि सब किस तरीके से हल होते हैं। उसमें आपको बताना था कि कौन कौन सी संख्याएं शांत हैं और कौन कौन सी संख्याएं अशांत हैं। उसमें मैंने ये भी बताया था कि बिना भाग दिए नंबर में डिविजिबल करके आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। बच्चों, उसी के आगे मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड आज की इस क्लास में आपको पूरा बताऊंगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें ताकि जल्द से जल्द सभी लाइव हो सके। कह रहा बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड पर रखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। क्या कहा है बच्चों, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऊपर जो पहला नंबर मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, उसमें आपको जो जो शांत थे वो पता ही है, उन्हें सही तरीके से हल करके और आज पूरा डिविजिबल करके लिखना पड़ेगा, भाग देकर लिखना पड़ेगा। तो सबसे बच्चों पहली संख्या वहां पर थी 13/3125। इसे सबसे पहले आप हल करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले 13 को लिखेंगे, 3125 जो है इसका गुणनखंड लिखेंगे, तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 बच्चों होगा 5×5 = 25, 5×1 = 125, 5×6 = 625, 625 5×3125 होता है। तो सबसे पहले बच्चों इस 13/5 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैंने बताया था कल कि जो संख्याएं 2n और 5n के रूप की होती हैं वो क्या होती हैं, शांत होती हैं। बच्चों 5n का रूप मिल रहा है लेकिन 2n का रूप नहीं दिख रहा है, इसलिए आप यहां क्या करेंगे, कहेंगे क्या, यहां लिखना पड़ेगा कि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में किसका गुणा करेंगे बच्चों, 5×5 है ना, तो इसी घात के बराबर 2×5 से क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अंश और हर दोनों में 2×5 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो बच्चों जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं इसको 13/5 गुणित 2×5 ऊपर भी और 2×5 नीचे भी, क्योंकि इसे हल करके लिखना है। बच्चों आगे के भी से लिख सकते हैं, 13 लिखा है, 13 को लिख लेंगे गुणित 2×5, तो 2×5 क्या होता है, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, इसका मान होता है कितना, 32 बटे 5×5 बार, इसका बच्चों होता है 5×5 है, 2×5 है, तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो 5×2, इन दोनों के 5 को कॉमन ले लो घात में, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों। ठीक है, देखें इसी को मैं आगे की ओर ऊपर यहां कर दे रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा मैं यहां कर दे रहा हूं। इसमें देखेंगे 13 और 32 का सबसे पहले आप करेंगे गुणा, करेंगे गुणा तो आपका आ जाएगा 416 बटे बच्चों 5×10, यहां लिखेंगे 10, तो 10×5 कितना है, 5। अब क्या करेंगे, इस 416 में 10×5 से कर देंगे भाग, कैसे करेंगे बच्चों, 416 को लिखेंगे, 10×5 को कैसे लिख सकते हैं, 10×5 मतलब कितने, 0.5। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, इससे इसमें दे देंगे भाग, क्या दे देंगे, भाग, तो भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा जब भाग देंगे कैसे हो जाएगा, जब भाग देंगे क्या हो जाएगा, ये 4 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, बच्चों 5 नंबर, पहले 5 अंक पूरा करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
तो लाख के अंक पे आपका पॉइंट होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। आपका यही क्या है बच्चों आंसर। समझ में आया बच्चों, इसे जल्दी से नोट करें। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा, क्योंकि इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने दिखाया था यह दी गई संख्या क्या है शांत है, इसलिए इसे यहाँ पर आप हल करेंगे 17/8 को, 17/8 को। बच्चों ध्यान दीजिए 17 को पहले लिख लेंगे, 8 का गुणनखंड 2 × 2 = 4 × 8 होता है, तो 2 के पावर कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। अब क्या करेंगे, आपने कहा था कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का हो, तो 2 के पावर n का रूप दिख रहा है, 5 के पावर n का रूप नहीं दिख रहा है, इसलिए करेंगे क्या, लिखेंगे कि इसके इसके अंश और हर, इसके अंश और हर दोनों में बच्चों ये बताइए 2 की घात कितनी है 3, तो 5 के पावर 3 की घात से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि इसकी घात बराबर होनी चाहिए, 2 के पावर n की घात तो 5 के पावर n की घात बराबर होनी चाहिए, तो 5 के पावर 3 से इसके अंश और हर दोनों में 5 के पावर 3 से क्या करने पर बच्चों गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर, तो गुणा करने पर तो गुणा करेंगे इसको, तो गुणा करिए जल्दी से क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं इसको 17/2 है, तो 2 के पावर 3 को लिख लो, 5 के पावर 3 से ऊपर भी और 5 के पावर 3 से नीचे भी, तो बच्चों ऊपर का क्या हो जाएगा 17 × 5 = 25, 5 × 125 होता है, अब बटे क्या लिखा है 2 के पावर 3 यहाँ 5 के पावर 3, तो 2 और 5 को लिख लो 2 × 5 और इसमें 3 दोनों पर देखो इनके जो घाते हैं आपस में समान हैं, इसको ले लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा 3 यहाँ पर। बच्चों इसे आगे क्यों हल करेंगे, तो 17 और 2125, अब बटे 2 × 5 = 10, तो 10 के पावर कितना 3। बच्चों इसे हल करेंगे, मैं इधर हल कर दे रहा हूं, ठीक है, 2125 को आप लिख लेंगे, आपका हो गया 2125 बटे बच्चों, अब देखो 10 के पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 × 2 = 100 × 2 = 1000, कितना बच्चों 1000, इसे भाग देंगे, जो भाग देंगे कितना आएगा बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहां आ जाएगा 2.125, देखिए आपका क्या है आंसर है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करें, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा, जो कि इसे आप प्रश्नावली 1.4 में आपने सिद्ध किया था कि क्वेश्चन 15/1600 क्या था शांत था, क्या था शांत था, उन्हीं शांत संख्याओं को लेकर के दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं इस 15 को लिख लेता हूं, आपका 15 हो गया बटे 1600 का गुणनखंड लिखेंगे, तो 15 1600 का गुणनखंड होता है 2 × 5 = 2। अब इसके बच्चों ध्यान रखना 2 के पावर n और 5 के पावर n का है, इसका मतलब शांत है, लेकिन इसका शांत विस्तार भी लिखना है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ 2 की घात कितनी है 6, यहाँ 5 की घात कितनी है 2, कितनी घातें कम है 6 में कितना जोड़े 6 में, अर्थात 2 में कितना जोड़े 6 = 4, तो बच्चों इसके अंत और हर दोनों में 5 के पावर 4 से क्या करने पर गुणा करने पर, तो गुणा कर दो बच्चों, ऊपर का हो जाएगा 15 × 5 = 4 बटे 2 × 6 पहले से है, 5 × 2 पहले से है, 5 × 4 से इसमें भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको लिखेंगे तो आगे की ओर, इसे जब आगे की ओर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप 15 × 5 = 4 का वैल्यू कितना हो जाए 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625, 625 बटे बच्चों 2 के पावर 6 है, तो 2 को लिख लो, 2 के पावर 6 को लिख लो, गुणित गुणा घाते जुड़ती हैं, जुड़ती कब है जब आधार संख्या एक जैसी होती है, तो 5 5 देखो एक जैसा है, इसलिए जुड़ जाएगा 4 × 2 = 6, तो 5 के पावर 6, ठीक है बच्चों। इसे आगे की ओर अगर आप करेंगे तो 15 और 625 का हो जाएगा गुणा, तो बच्चों 15 × 5 = 75 का 5 होता है, हासिल लगा 7, 15 × 2 = 30, 7 × 37 का 7, हासिल 3, 15 × 6 = 90, 90 और हासिल कितना था, हासिल कितना था 3, 93 हो जाएगा, ठीक है बच्चों बटे। अब देखो 2 का गुणा 5 में कर सकते हैं, तो 2 का गुणा 5 में कर दो, 2 × 5 =
10। अब इनकी घाती कितनी है 6, तो 10 के बटे 6 लिख लें, अर्थात 10 के पावर 6 लिख दो। बच्चों इसे आगे की ओर अगर आप हल करोगे क्या हो जाएगा, ये है 93/75, 93/75 बटे 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया बच्चों, 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,00,000, 10,00,000 इसी से भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो 5, 7, 3, 9, 0, 0, 0.0। देखो बच्चों कितने पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,000, तो 10,00,000 की जगह आपका पॉइंट लग गया है। बच्चों ये समझ में आया, इसे नोट करें, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का चौथा नंबर, चौथा क्यों आया, क्योंकि इसे आपने प्रश्नावली 1 में सिद्ध किया था कि यह क्या है शांत है, इसलिए इसे पूर्णतया यहां पर हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहां रखा है 23 दे रखा है ना, तो 23 को लिख लो, 23 को क्या करो लिख लो, इसमें गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गुणनखंड में खुद ही दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। बच्चों मैंने बताया था कि सबसे पहले ये देखो कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप की है या नहीं, तो देख रहे हैं 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप की संख्या दे रखा है। अब बच्चों इनकी घातों पर जाओ, इसकी घात कितना है 3, इसकी घात कितना है 2, तो बच्चों बताओ 3 और 2 में 3 बड़ा है ना, अगर 2 में एक और जोड़ दिया जाए तो ये भी 3 के बराबर हो जाएगा, इसमें 5 के पावर घात वाली कम पड़ रही है, इसलिए इसके अंश और हर दोनों में 5 के पावर 1 से क्या करने पर गुणा करने पर, ठीक है बच्चों। तो मैं कर दे रहा हूं 5 से ऊपर और 5 से नीचे, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 23 गुणित 5 बटे, बच्चों बताइए यहां 2 के पावर 3 है गुणित, इसको लिख सकते हैं देखो ये घात इसकी है किसकी, आधार समान है तो गुणा घातें जुड़ती हैं, तो 2 है 3, तो 5 के पावर कितना हो गया 3 हो गया, 23 का गुणा 5 में करेंगे आपका हो जाएगा ए 115। बच्चों 2 और 5 को देख रहे हैं ना, इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणित 5 की होल पावर कितना 3, समझ पा रहे हैं, इसको फिर आगे की ओर बच्चों हल करेंगे, इसको लिख सकते हैं 115 बटे 2 × 5 = 10, 10 है, 10 के पावर कितना है 3 है, ठीक है ना बच्चों। फिर आगे की ओर इसको हल करते हैं हम, देखो 115 को लिख लो, 115 हो गया बटे 10 के पावर 3, इसका अंतर 10 दहाई 100 दहाई 1000 बच्चों। फिर आगे इसको हल करेंगे, आगे की ओर लिखेंगे 115 को, समझ गए बच्चों, 115 में आपको 1000 से भाग देना है, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर आपका 10 मिनट लग जाएगा, इसके पहले हो जाएगा 0, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन रहा पांचवा नंबर 6/15, इसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऊपर दिए गए प्रश्न में, अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने प्रूव किया था कि 6/15 जो है ये क्या है बच्चों शांत है, ठीक है, इसे हम हल करने के लिए चलते हैं। 6/15 यहां दे रखा है, इसको बच्चों क्या कर सकते हो, लिख सकते हो 6, 15 का गुणनखंड होता है 3 गुणित 5, 3 से 6 को काट दो, 3 × 6, तो बच्चों ऊपर हो गया 2, नीचे क्या बचा 5, बच्चों बताइए। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप होना चाहिए, 5 के पावर n का रूप है लेकिन 2 के पावर n का रूप नहीं है, बच्चों अब इसकी घात देखो 5 की घात कितनी है 1, इसलिए 2 की पावर 1 घात वाली चाहिए, तो 2 के पावर 1 से इसके अर और हंस और हर में क्या कर दें गुणा, तो इसके अंश और हर दोनों में किससे बच्चों गुणा करना है, 2 के पावर 1 से क्या करना है गुणा कर देना है, 2 के पावर 1 से गुणा कर देना है, ठीक है बच्चों, ये कथन इसका है, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे, इसमें 2 और इसमें 2, बच्चों 2 × 4 क्या हो गया 4, 5 × 10, अब इसमें दे देंगे भाग, तो 4 में भाग देंगे 10 से, इसका आंसर आ जाएगा 0.4, यही बच्चों इसका क्या है आंसर, नोट करिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 35/50 को, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, फर्स्ट में इसे आपने शांत दर्शाया था,
अब यहाँ पर इसी भी दर्शाना है कि यह शांत है, लेकिन इसका मान भी ज्ञात करके दिखाना है। तो बच्चों 35 ऊपर वाले को लिख लो, 35 को 50 का गुणनखंड क्या होता है बच्चों, 2 × 5 × 5 ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो 1 5 से 7 कट जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बच्चा 7/2 और गुणित कितना है बच्चों 5, और यहाँ पर कुछ करना नहीं है बच्चों, समझ गए ना, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ देखो 2n और 5n का रूप सम्मिलित है ना, 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, इसलिए इसके अंश और हर दोनों में 2 0 और 5 0 से गुणा कर दो। यदि ना करो तब भी इसे हल कर सकते हो बच्चों, इसे लिख सकते हैं 7/5 × 10, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, इस 7 में आप भाग दे दो 7 में भाग देना है 10 से, तो 10 से भाग देंगे इकाई दहाई, दहाई के अंक पे है, ये आपका आ गया क्या 0.7, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। यदि अगर आप सोच रहे हैं इसके अंश और हर में दोनों गुणा क्यों नहीं किया गया, तो मैं देकर के भी दिखा देता हूं, इसके अंश और हर दोनों में 2 0 और 5 0 से गुणा कर दो, ठीक है, करके भी दिखा देता हूं। यदि गुणा कर दोगे बच्चों तो 2 0 × 5 0 नीचे भी, 2 0 और 5 0 का ऊपर भी, यदि अगर गुणा कर दोगे बच्चों, घात है ठीक, क्या होगा, इसका मान 1 होता है, इस पूरे का वैल्यू 1 होता है भाई, इसका 1 × 1 हो जाएगा 1, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 × 1, इसका गुणा करेंगे वही हो जाएगा। तो नंबर 3 आपके स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं आप सब, करेक्ट है, कुछ वास्तविक संख्याओं के कैसी संख्याओं के, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, मैंने आपको बताया था परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब इसमें परिमेय भी आएगा, परिमेय भी आएगा। तो कुछ वास्तविक संख्याओं की दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है और p/q की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब उसे बताना है, उसे हल करना है कि शांत है या नहीं है, इसे हल करके आपको दर्शाना है। इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है 43.1234567 अर्थात 43.1234567 बच्चों, इसे सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस संख्या को लिख लेंगे, इस सवाल को लिख लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम इसे लिख ले रहे हैं, देखो 43.1234567 9, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे आप, पॉइंट किसके स्थान पे है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000,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 
इसके बटे में एक तो लिखा जा सकता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो दशमलव के बाद कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ अंक है ना। इसका मतलब 10 के पावर 9 से ऊपर और 10 के पावर 9 से नीचे बच्चों क्या कर देंगे, गुणा। क्या करेंगे, गुणा। ऊपर का दशमलव गायब हो गया, हट जाएगा, ये 43, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, बच्चों इसको राइट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 10 के पावर 9 का गुणा एक में करेंगे तो 10 के पावर 9 ही रह जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इसे जानते हैं, फिर से एक बार आप इसे राइट करिए। देखो ऊपर वाली संख्या 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। फिर इसके नीचे 10 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2 × 5 के पावर कितना, 9। बच्चों एक बात बताइए, आपने कहा था कि जो संख्याएं 2n और 5n के रूप की होती हैं वे संख्याएं क्या होती हैं, शांत होती हैं। तो बच्चों वह प्रक्रम, वह मसाला आपको यहां पर मिल रहा है जिससे आप सिद्ध करते थे कि यह शांत है या अशांत। तो 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप मिल रहा है, इसलिए यह संख्या क्या है बच्चों, शांत है। तो यहां लिखेंगे आगे की ओर, इसे यहां पे और आगे की ओर भी हल कर सकते हैं आप। देखो लिख सकते हैं कि कहा है, यहां सवाल में देखो कहा था
कि आप क्यू के बारे में, क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कर सकते हैं। तो क्यू ये पी है, ये क्यू है क्योंकि ये अंश है और ये हर है। तो क्यू के लिखेंगे दी गई संख्या के, दी गई संख्या के हर में दो के पावर n और पांच के पावर n का रूप सम्मिलित है, सम्मिलित है अतः यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या क्या है बच्चों? शांत है। क्या है? शांत है। समझ में आया? क्योंकि 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 इसे लिखा जा सकता था, ठीक है बच्चों, इसलिए संख्या क्या है? शांत है। समझ में आया बच्चों? इसे जल्दी से राइट करें, नेक्स्ट बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा कर रखा है 0.12012001200120. बच्चों एक बात बताइए, यहाँ डैश 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 भाग रहा है क्या? यदि आपको पता है कि किसी भी संख्या में यदि अगर डैश डैश अगर ऐसा सिंबल दिखे तो जान लीजिएगा वह संख्या कंटिन्यू क्या हो रही है, भाग रही है, इसलिए वह शांत नहीं बल्कि क्या है बच्चों? अशांत है। क्या है? अशांत है। तो इसे आप हल करेंगे फिर भी ये अशांत ही आएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ देखो डैश डैश का सिंबल लगा हुआ है, ये संख्या लगातार भाग रही है। लिखिए, लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसको लिखिए कि दी गई संख्या क्या है? परिमेय। क्या परिमेय? अपरिमेय बच्चे, क्योंकि लगातार भाग रहा है। अच्छा, लगातार क्या हो रहा है? भाग रहा है, ऐसा नहीं कि अपरिमेय है बच्चों, ध्यान रखना है, लगातार भाग रहा है, इसका मतलब शांत नहीं बल्कि अशांत है, नहीं रुकने वाला है, लगातार भाग रहा है। अच्छा, दी गई संख्या अशांत है। क्या है? दी गई संख्या अशांत है क्योंकि इनके मानक लगातार बढ़ रहे हैं। समझ गए बच्चों? देखो यहाँ पे कितने जीरो थे? एक जीरो, फिर दो जीरो हुआ, फिर तीन जीरो हुआ, फिर चार जीरो हुआ, फिर 1-2 के बाद 5 जीरो, फिर 1-2 के बाद 6 जीरो, 1-2 के बाद 7 जीरो, इसलिए बच्चों ने लगातार भाग रहा है, जिसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना? पता है क्या है? मानक लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या है? शांत होते हैं। बच्चों रहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, आपके स्क्रीन पर कर रखा है, इसे भी बताना है उसी तरह से कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं आप। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखो जिस संख्या के ऊपर अगर बार लगा हो, क्या लगा हो? बार, और बार दिखा दिया जाता है तो वह संख्या सीधे सीधे क्या हो जाती है? अशांत हो जाती है। तो बच्चों दी गई परिमेय संख्या, परिमेय है, देखो परिमेय मैं दिखा ले रहा हूं, जैसे 43.12345678 9, बच्चों समझ गए, इसको बटे में एक तो लिखा ही जा सकता है। अब देखो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 10 के पावर 10 से ऊपर और 10 के पावर 10 से नीचे क्या कर दें? गुणा कर दें। यदि गुणा कर दें ऊपर का दशमलव गायब हो गया, सीधे बचेगा 43। ये देख रहे हैं 43 ना, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे कितना बच्चों? 10 के पावर 10। अच्छा, 2 के पावर n और 5 के पावर n यहाँ लिखा जा सकता है क्योंकि 2 × 5 = 10 होता है, लेकिन ध्यान रखना इस संख्या के ऊपर पहले ही बार लगा दिया गया था, इसलिए यह क्या है? क्या है बच्चों? यह अशांत है, अशांत अनावर्ती है। लिखेंगे दी गई संख्या अशांत अनावर्ती है क्योंकि इसके ऊपर बार ब्रैकेट लगाया गया है, ठीक है ना? तो बच्चों क्या है? अशांत अनावर्ती संख्या है। समझ पाए बच्चों? ठीक है, अशांत अनावर्ती है, बात समझ पाए? यह क्या है? अशांत अनावर्ती है। अशांत क्यों? आप सोच रहे होंगे 2 की पावर n और 5 की पावर n का रूप है फिर भी अशांत क्यों नहीं है? यहां दिख भी रहा है,
ना, लेकिन इस संख्या के ऊपर ऑलरेडी बार लगा दिया गया है बच्चों, इसका मतलब संख्या लगातार भाग रही है, इसलिए शांत नहीं बल्कि क्या है, अशांत है। ठीक है बच्चों, आज आपकी प्रश्नावली कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में आपका आता है बहुपद। प्रश्नावली 1 जो थी, जो आपकी प्रश्नावली 1 थी वास्तविक संख्याएं, ये आपका समाप्त होता है। यहाँ पर आपका आएगा नेक्स्ट टॉपिक में बहुपद, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलीनोमियल्स। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं पार्ट 2 जिसका नाम है बहुपद। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लासे लेकर के आ सकूं। ठीक है बच्चों, बस आज इतना ही, बाय, थैंक्स, पढ़ाई करें, गुड लक। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।